नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। शहर के कई मोहल्लों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर पालिका द्वारा इस बात को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि कई बार इसकी शिकायत वार्डों में रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत बालिका अध्यक्ष से की है, परंतु अब तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। नगर पालिका क्षेत्र के कई मोहल्लों में नाला व नाली टूटी होने के कारण जल भराव रहता है, इससे लोग परेशान हैं। गंदे पानी के कारण कई संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। नगर के लोगों में कई आ रही समस्याओं से निजात दिलाने जाने की मांग की है। नगर के मोहल्ला खरगजीत नगर, अग्रवाल मोहल्ला, नगरिया, रामलीला मैदान, राजीव गांधी नगर, नगला रत्ते मोहल्ला आदि में जगह जगह नाला की नालियाँ टूटी हुई हैं, जिस कारण जल भराव है। गंदा पानी आबादी वाले क्षेत्रों में एकत्रित हो रहा है, इससे यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं। गंदे पानी में आवारा जानवर भी लौटते हैं, जो किसी प्रकार की गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं। नगर के लोग कई बार इसकी शिकायत पालिका अध्यक्ष और सभासदों से कर चुके हैं, बावजूद इसके इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। आबादी वाले क्षेत्रों में गंदे पानी के एकत्रित होने से लोग चिंतित हैं। घरों में मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है, यही वातावरण प्रदूषित हो रहा है। किसी भी समय इन इलाकों में गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। जी आपका नाम? दिनेश सिंह। या आपका यहाँ पे ये स्कूल है KDS ग्रोव अकेडमी, यहाँ पे इतनी गंदगी है, पानी भरा हुआ है, क्या बच्चों को तकलीफ नहीं होती? नहीं सर जी, बहुत दिक्कत हो रही है। और कई बार अपील भी कर चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं की जा रही है। सुनवाई नहीं की जा रही है? आ रहे, दो बार नप चुकी है, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं किया। सारी नालियाँ टूटी पड़ी है, इतना पानी है, यहाँ पे तो काफी आवारा जानवर घूमते होंगे। बहुत ज्यादा सुअर वगैरह, बहुत ज्यादा गंदगी भी फैला रहे हैं और दिक्कत भी हो रही है काफी। तो इस पे ये नपने के बाद भी इस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक नहीं।